आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है जन्माष्टमी स्पेशल पोहा प्रसाद। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये 5 से 7 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। और इसके लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, जो अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं और अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पैन ले रही हूँ और 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ पैन के अंदर। काजू और बादाम डाल दूंगी, उसके बाद किशमिश और पिस्ता डाल देंगे इसके अंदर। सभी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर कद्दूकस किया हुआ 1 कटोरी सूखा नारियल डाल देंगे और उसे भी 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। नारियल रोस्ट हो चुका है तो अब इसके अंदर 1 कप पोहा डाल देंगे। पोहा को भी 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। इस बीच एक बॉल में 1 कटोरी पाउडर गुड़ यानी 4 टेबल स्पून गुड़ को मैं डाल दूंगी और 1/2 कटोरी गरम पानी इसके अंदर डाल दूंगी, जिससे गुड़ जो है तब तक मेल्ट हो जाएगा जब तक कि पोहा फ्राई हो रहा है। ये देखिए गुड़ जो है वो घुल गया है, ये देखिए गुड़ को मैं एक छन्नी की सहायता से छान लेती हूँ। जो कचरा है वो इसके अंदर आ गया है छन्नी के अंदर और इसे मैं जल्दी से अच्छे से एक मिक्स कर लेती हूँ। ये 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है वो डाल दे रही हूँ। पोहा प्रसाद बनके तैयार हो चुका है और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। ये देखने में जितना अच्छा है उतनी जल्दी बन भी जाता है और उतना ही स्वादिष्ट लगता है। तो इस जन्माष्टमी पोहा प्रसाद का भोग ज़रूर लगाएं। और अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और परिवार में इसे शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।